सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आजकल YouTube पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस फ्लोट कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जो एक गांव से बिलोंग करते हैं, जो मिट्टी के आदमी हैं। हमारा उद्देश्य वीडियो को वायरल करना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम उस शख्सियत के बारे में सभी को बता सकें। आप सब लोगों ने सूरदास के बारे में सुना होगा, सूरदास कवि जो 14वीं शताब्दी में कई सारे महाकाव्य उन्होंने लिखे, लेकिन वो जन्मांध थे, वो देख नहीं सकते थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण उन्होंने बहुत सारे काव्य और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो क्या आज के समय में 21वीं सदी में कोई सूरदास नहीं हो सकता है? हो सकता है। हम आपको आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएंगे जो कुशीनगर जिले के चतुरचक गांव में रहते हैं। तो चलिए आज हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने भी जैसे सूरदास जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी रचनाएं की, ऐसे ही ये जो हैं, ये जो शख्सियत हैं, इन्होंने भी बहुत सारे भजन और बहुत सारी चीजें, इन्हें कंठस्थ है और वो हमेशा अपने गांव और आसपास के गांव में फैलाते रहते हैं। इन्हें गीता के श्लोक याद हैं, इन्हें रामायण याद है, इन्हें रामचरितमानस याद है, इन्हें निरंकारी जो ग्रंथ है वो कंठस्थ है। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये ऐसा पुरुष जिनकी आंखें नहीं हैं, उनको ये सारी चीजें कैसे याद हैं? तो चलिए आज हम उनसे मिलते हैं और आज हम उनसे ही पूछते हैं उनके बारे में, और फिर हम उनके कुछ भजन और कुछ चीजों को सुनेंगे। धन्यवाद। तो आइए अब हम आप लोगों को इनसे मिलवाते हैं। महात्मा जी, आपका नाम क्या है? सूरदास भगवती। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? चतुरचक। अच्छा, आप अंधे कब से हैं? हमारा नेत्रहीन 77 साल हो गया। 77 साल हो गए। बताइए, ये 77 साल से अंधे हैं और आपको रामायण, आपको गीता, आपको क्या क्या चीजें याद हैं? गीता के श्लोक याद है, अर्थ ही याद है, और रामायण के जितने श्लोक हैं सब याद हैं, और तारवाणी भी याद है, अनमोल भी बाबा जी का याद है, गुरु गीता याद है, भजन कीर्तन याद है। तो ये सारी चीजें याद करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप कैसे इस गुरु की कृपा से याद किया? गुरु की कृपा हो गई तो याद हो गया, गुरु की कृपा नहीं होती तो याद नहीं होता। हमारे गुरु का महिमा अपार, कोई पावे न पार, गुरु गावे हजार, उनकी महिमा बहुत असीम है। निरंकारी मिशन बाबा हरदेव महाराज के शिष्य हैं। और सबसे पहले आपको उनसे किसने मिलवाया था? संत महात्मा लेकर के गए वहां पर। अच्छा। उनसे दीक्षा ली है। तो आपने बहुत जगह भ्रमण भी किया होगा, आप अलग अलग जगह भी गए होंगे? कई जगह गए हैं, आगरा गए हैं, कानपुर, लखनऊ, पटना, ऋषिकेश, बनारस, गोरखपुर। तो देखिए, ये बहुत सारे जगह गए हैं और अपने भजन और कीर्तन से लोगों को लाभान्वित किया है। ये आगरा, मथुरा, दिल्ली, गोरखपुर, कई सारे, पटना, बम्बई तक गए हैं और हर जगह पे जाके इन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। तो आइए हम इनके मुख से कुछ सुनते हैं। क्या आप सुंदरकांड के कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं? सुना सकते हैं गुरु के पास से। जी जी, सुनाइए।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मयी श्री गुरु ये नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरा तदपदम दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव वेद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते दंडवातीतं गगन सदृशं तस्मास्यादि लक्ष्यं एकं नेतं विमलमचलं सर्वधीसाच भूतं भवातीतं तिड़गुण रहितं सद्गुरुं तमामि सद्गुरुं सद्गुरुं नमामि। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, परमानंद एक हैं, नित्य रहने वाले हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सब बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत रजत तीनों गुणों से परे हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को नमस्कार है। शांतम शांतो तम प्रमेय मन घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फरिंद्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीशरम स्वर्गरं माया मनुष्यं हरे वंदे अहम करुणाकरं रघुगुणं भूपाल चूड़ामणि। जो परमात्मा सात सत्य सनातन अपरमेय परमाणु से परे हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष रूप हैं, परम शांति को देने वाले हैं, ब्रह्मा शंभु शेष जी इनका निरंतर सेवन करते हैं, ये माया से रूप मनुष्य धारण किए हुए हैं, ये हरि हर जगह विराजमान है, इनका महिमा अपार कोई पावे न पार उड़गावे हजार। नान न्यास परिहार पते हृदय संदिये सत्यम बदाम च भवान खिलांत्रात्मा भक्ति प्रेक्षर पंगो निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे सतगुरु, आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरे को इच्छा नहीं है, आप निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आए दोषों से रहित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन बढ़े, जीवन सुख शांति निरोगता प्रसन्नता आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। अतुलित बल धाम में ही मैं सैला भरे हम धन जबन कृषान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणिधान बानारणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जावंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परखौ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीतें देखी होए काज मोहि हरस विशेषी अस कई नाय सबन को माता चले हरस अधर रघुनाथा। सुंदर सुंदर सिंधु तेर भूम धरे कसुंदर कौतुक कूद चढ़ता हो पर बार बार रघुवीर संहारे तर्क पौन तनय बल भारी। ए गिरि चरण जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगा पताल तुरंता जीमा मोग रघुपति कर बाना ये ही भांति चला हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो श्रम हारी। हनुमान ते परसा कर पुन के न प्रराम राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। जात पौन सुत देवन देखा जाना कह बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम हीन के माता पटमाय कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा सुनत बचन का पौन कुमारा राम काज कर फिर मैं आऊं सीता के सुध प्रभु सुनाऊं। तब तुम बदन पैठ हो आई सत्य कहे मुझ जान माई कौनो जतन देव ने जाना घर से समोय का हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा कपित दुगुन विस्तारा
सोरे जोधन मुक्ते टयो तुरत पवन सुत बास्ते सभायो जस सज सुर सा बदन बढ़ावा तास दुवन कपि रूप दिखावा सत जोधन ते आनन किन्ना तिलक रूप पवन सुत लेना बदन पैटि पुन बाहर आवा मांगा मांगा विदाता सिर नावा मोय सुरन जय लाग पठावा बल बुरे मरन तोर मैं पावा राम काज सब करिहो तुम बलबू दिन धान आशीष दे गई सो घर से चले हनुमान सुशासित बात देख कर चली गई तो हनुमान जी आगे बढ़े निश्चर्य एक सिंधु माय रहे निश्चर्य एक सिंधु माय रहे कर माया नव के छाई। तो आप लोगों ने देखा इनको इसी तरीके से पूरा रामचरितमानस कंठस्थ है। अब हम इनसे कुछ अवतारवाणी के कुछ चीजों को सुनेंगे। अवतारवाणी से कुछ दोहे कुछ भजन बोलते हैं ना, भजन सुनेंगे। तो क्या अवतारवाणी से कुछ आप हम लोग को सुना सकते हैं जिससे हम सब और हमारे व्यूअर्स अनुग्रहित हो सके? सुना सकते हैं जी, सुनाइए हमारे दर्शकों को। कैसे गाऊं तेरी महिमा शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरे दया कोश में क्या जो है उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपाल कृपा के सिंधु विश्व रचयिता दीनानाथ, मैं लग बुद्धि अल्प मति हूँ शीस पर रखो अपना हाथ। श्री अवतार के श्री मुख ने जो जो शब्द उचारे हैं, बने तो कुछ जो जीवन नौकायो को चा सितारे हैं। कुछ ने धारा रूप पवन का संत जनों के बन गए साथ, इनमें से कुछ आल बने हैं मेरे हृदय का विश्वास। कुछ सूर्य का तेज बने हैं जग से तिमिर मिटाने को, कुछ बन गए प्रीत के पूनम प्रीत के बेल बढ़ाने को। कुछ प्रवेश कर फूलों भीतर कलियों के मुस्कान बने, सुधा के झर झर करते झरने ज्ञान के कुछ उद्दान बने। शब्द बना कोई जाकर गीता बन गया कोई ग्रंथ पुराण, कुछ ने मिलकर रची रामायण महाभारत वेद पुराण। इनमें से जो अधिक मीठे कवि हृदय कह गए प्रवेश, लिखे गए संपूर्ण वाणी और संपूर्ण हुआ देश। अक्षर अक्षर रूप तेरा शब्द शब्द पर तेरी याद, चरण पर से अवतार गुरु के साकी ने जो किया अनुमान। तेरी वस्तु तुझे समर्पित कृपा है करुणा धार करो, बुरा भला है जैसा भक्त कर कृपा स्वीकार करो। परम पिता परमात्मा सब तेरे संतान, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। हे प्रभु हे दीनानाथ हे बंधु, रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि पर राम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि पर राम तुम्हें। व्यंत महाराज स्वामी कोटि कोटि पर राम तुम्हें, सिर ताज के ताज स्वामी कोटि कोटि पर राम तुम्हें। अद्रमर्य सर्वव्यापी कोटि कोटि पर राम तुम्हें, जुग जुग में है तारे पापी कोटि कोटि पर राम तुम्हें। आद्रमर्य सर्वव्यापी कोटि कोटि पर राम तुम्हें, सबसे के पालन हारे कोटि कोटि पर राम तुम्हें। अवतार के प्रणाय धारे कोटि कोटि पर राम तुम्हें। तेरी ओट टेक है तेरी दो मैं तन मनवार, निस्दिन गाऊं तेरी महिमा विनय करे अवतार। जब लखन हो अज्ञा चल सकता ना कोई, अवतार कुछ ना कर सके जो तुम चाहो सो हो। जग न जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, त्याग के लग रहे झगड़े सारे गुरु रिझाना भक्ति है। एक मानो एक जानो एक को पाना भक्ति है, जान हरे के आदम इसके समय बिताना भक्ति है। निर्मल निर्गुण निराकार है वाणी ने फरमाया है, कई अवतारन संग मैंने रमे राम को पाया है। एक तू ही निरंकार
गुरु के आज्ञा मान के मन से करे जो सेवा सेवक है, जीव जाने तन मन धन से करे जो सेवा सेवक है, निसेवा से गुरु रिझाना कामे ही है सेवक का, साधन के संग प्रेम निभाना कामे ही है सेवक का, माया से ना ने लगाए प्रभु से बांधे जीवन डोर, कह अवतारो हे ब्रह्म ज्ञानी जो देखे प्रभु की चहुओर, किसी के तन के ऊपर लोगों जाति वर्ण के चिन्ह नहीं, किसी को छोटा बड़ा बनाकर प्रभु बनाता भिन्न नहीं, प्रभु के दृष्टि में तो लोगों समन रही है एक समान, प्रभु का घर है सबके खाते क्या राजा यो क्या दरवान, ठीक ही है सब प्रीत जगत की प्रभु की सच्ची प्रीति है, कहता सिर झुकाना संत जनों की रीति है, सदा नम्रता मन में धारो सेवक का यह गाना है, सिर झुकाकर जग में चलना सतगुरु का यह कहना है, नल के आगे सिर झुकाओ तो भी प्यास बुझाता है, जो जो फल है वृक्ष को लगता त्यों तो झुकता जाता है, जो जो नीचा होवे पानी सागर भी समाता है, कह अवतार नम्रता वाला जन ही प्रभु को पाता है, नम्रता के अपनाने वालों को परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति जब हो जाती है तो भ्रम समाप्त हो जाता है, हमारे सदगुरु परमात्मा को दिखाते हैं ये परमात्मा हर जगह विराजमान है, इनका न ओर है न छोर है न आर है न पार है न सांवर है न गोर है, ये सादा है और सबका दादा है, ऐसे परमात्मा का यह जिक्र हो रहा है। अब कुछ भजन से हम लोगों को लाभान्वित कीजिए। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव, तुहरे चरण में गुरुदेव सुख दसो तो आ रहे हो।
पुत्र है, नीच चरणों की कल्याण मई रज का स्वरम पार्व शिला बनी हुई गौतम ऋषि पत्नी डर गई। इन चरणों के नक्ष मुनियों द्वारा पंडित लोक को पवित्र करने वाली गंगा जी महादेव जी के मस्तक पर विराजमान है। वही सदु का चरण है, सदु का चरण का पान करने से, उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सब कृपा स्नान करने का बल प्राप्त करता है। चलिए हम सबसे पहले इनके गांव के इनके बगलगीर से मिलते हैं और पूछते हैं इनका परिचय और ये सूरदास जी को कब से जानते हैं और उनके बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो वो चीज़ें हम इनके जवान से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? रामप्रीत सिंह। अच्छा, और आप सूरदास जी को कब से जानते हैं?
जब से हमारा होश हुआ है तब से मैं जानता हूँ उनके बारे में कि हमारे घर के ही बगल के हैं। और जब से आपने इनको देखा है ऐसे ही देखा है जनमान? हाँ ऐसे ही देखा है। अच्छा, और इनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों को ना पता हो? इनसे जब हमारी मित्रता हो गई तो हम इनको दिल्ली तक ले गए हैं निरंकारी मिशन में, और कई जगह भी लेके मैं गया हूँ वहाँ पर। इनसे हमारी काफ़ी मित्रता भी हो गई थी, ये कीर्तन भजन वगैरह सब कुछ गाते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सूरदास बहुत ही भौतिक विचारधारा का तो तवा का चेना भैया।
की भक्ति से प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देवताओं ऋषियों पितरों मनुष्य द्वारा अस्पष्ट रूप से कही गई है। बिना गुरु भाव पालन भजवा जान न बढ़ाई विधि के विधान बा सत्संग प्यास कहना ध्यान निरंकारी।